So now, as you know, I have started a chapter, Nationalism in India, and I told you many regarding this chapter. Okay, so let's move forward. Rebellion in the countryside. अब हम देखेंगे रिबेलियन का मीन्स क्या होता है. राइज इन आर्म्स अगेंस्ट वंस गवर्नमेंट और रूलर, क्योंकि ये रिबेलियन का मतलब यही होता है कि किसी के खिलाफ खड़े हो जाना हथियार के साथ. ओके, मतलब इट मीन्स एक तरीके से फाइट करना, विद्रोह करना. फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड. ये तो मालूम ही है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, सिटीज से स्टार्ट हो तो गया था, तो ये फैलना शुरू किया, पूरे शहर के अंदर फैल गया. उसके साथ साथ इट ड्रू इन टू इट्स फॉल्ट द स्ट्रगल ऑफ पीस एंड ट्राइबल्स विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर. तो ये स्ट्रगल हमने बताया कि पूरे शहर में तो फैल ही गया था. इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं, देखेंगे कि ये जो फैला था इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फैला था युद्ध के बाद. प्लस उसके साथ साथ हम बात करें क्योंकि ये जो किसानों का भी था, ट्राइबल्स आदिवासियों का भी था. अब इसको हम देखते हैं ये स्टार्ट कैसे हुआ, क्या हुआ इसमें, अब देखेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हेयर, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन अवध, अब हम बात करेंगे अवध की. पीसन वन लेड बाय द बाबा रामचंद्र. इसमें जो मूवमेंट चला रहे थे वो पीसन के लिए बाबा रामचंद्र चला थे, असन्यासी थे, हु हैड ऑलरेडी बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर. अब इंडेंचर्ड लेबर कौन होते हैं? इंडेंचर्ड लेबर वो होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बाहर ले जाकर काम कराया जाता है, और उनको ये नहीं बताया जाता कितने पैसे दिए जाएंगे, मजदूरी क्या है, टाइम क्या है, कुछ नहीं पता. क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इनको लेके जाया जाता है. तो ये सन्यासी थे बाबा रामचंद्र, ये फिजी होकर आ चुके हैं. द मोमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकादार एंड लैंड लॉर्ड हु डिमांडेड फ्रॉम पीसन एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट एंड अ वैरायटी ऑफ अदर केसेस. यहाँ पर देखते हैं ये मूवमेंट क्यों चलाया गया था. ये मूवमेंट उन लोगों के खिलाफ चलाया गया था, ज़मींदार होते हैं, तालुकादार भी उन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि ये लोग जो थे टैक्स मांग रहे थे किसानों से, बहुत ज़्यादा हाई रेट मांग रहे थे. उनके खिलाफ बाबा रामचंद्र ने मूवमेंट को आगे चलाया, आगे बढ़े और उन पीसन को साथ दिया. क्योंकि जैसे आप मालूम है कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए गांधी जी मेन हो गए, उनके पीछे सारे फॉलोवर हो गए. इसी तरीके से कहीं ना कहीं किसानों के लड़ने के लिए बाबा रामचंद्र आ गए अवध के अंदर. किसान जो थे उनको रूल, मतलब एक का कहना तो वो मानना होता था, क्योंकि लीडर का कहना नहीं मानेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. तो इसमें बाबा रामचंद्र आगे बढ़े. पीसेंट हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंड लॉर्ड फार्म विदाउट एनी पेमेंट. अब देखते हैं यहाँ पर देर द वर्ड बेगार. बेगार क्या होता है? तो ये होता है लेबर दैट विलेजेस वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट. तो मतलब जितने भी किसान होते या मजदूर होते थे, उनको अपनी मेहनत पूरी करना होती थी लैंड लॉर्ड के पास और बिना किसी पेमेंट के, ठीक है ना, काम करेंगे पैसे नहीं मिलेंगे, इसी को ही बेगार कहा जाता था. एस टेनेंट्स दैट हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्यू बीइंग रेगुलरली इवेक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड. क्योंकि जितने भी बड़े बड़े किसान हुआ करते थे, सिक्योरिटी वगैरह तो वो देते नहीं थे, बस किसानों से काम करवाते, ना ही कोई उनके पास वो होता था एक तरीके से सपोर्ट, सिक्योरिटी वगैरह देना बस उनके लिए था. काम करवाया, पैसे दिए दिए, नहीं दिए नहीं दिए, या फिर पैसे नहीं दिए तो कुछ अनाज दे दिया, ख़त्म कर दिया, किराए पे ज़मीन दे दिया करते थे जो बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे. द पीसेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बायकॉट ऑफ द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स. तो यहाँ पर जो किसानों का मूवमेंट था, उन लोगों ने डिमांड क्या करी? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू. रिडक्शन कहते कमी को, रेवेन्यू कहते इनकम. उन्होंने जो टैक्स लगा रहे हो उसमें कमी कर दो. बेगार जो पहले तुम लोग बिना पैसों के काम करा था उसको ख़त्म करो. एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेटिव लैंडलॉर्ड, और जो जुल्म जाती लैंडलॉर्ड कर रहे हैं उन सबका बायकॉट कर. इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी, ठीक है ना, बंदास वर ऑर्गेनाइज बाय पंचायत हु डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बारबर्स एंड वॉशरमैन. तो इनके बारे में मालूम ही है कि जितने भी सब लोग थे, नाई थे, धोबी थे, ठीक है ना, तो ये सब लोग जो थे क्या हो गए, खड़े हो गए थे. क्योंकि इनकी जो पंचायत वगैरह होती थी सब कुछ होता था, लेकिन इन लोगों ने भी आवाज़ें उठाना शुरू करी, ठीक है ना. तो जो ज़मींदार थे उनके खिलाफ ही खड़े होना शुरू हो गए, सब लोग खड़े हो गए. इन जून 1920 वाले जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध. अवध में जाना शुरू कर दिया जवाहरलाल नेहरू 1920 में, टॉकिंग टू द विलेजेस एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीननेस. बस क्या ग्रीननेस कहते हैं, दुख को. जवाहरलाल नेहरू गए, जाने के बाद गांवों में घूमना शुरू करा, उन लोगों से बात की करी अवध के अंदर, उन लोगों से मालूम किया, उनके दुखों के बारे में मालूम किया.
By October, the Odh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru. एक सभा बनाई गई किसान ओट किसान सेवा जवाहरलाल नेहरू ने बनाई गई थी. बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर, इसके साथ बाबा रामचंद्र भी थे और उन लोग भी थे. विद इन अ मंथ, एक साल महीने के अंदर ही अंदर, और 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेज अराउंड द रीजन. 300 ब्रांचें भी कम से कम एक उसी गांव के आसपास और गांव के अंदर लगा दी गई. सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगन द फॉलोइंग ईयर, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज इंटरोगेट द अवर पीसेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल. बस यही था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो स्टार्ट हो ही गया था, आने वाले समय में स्टार्ट फिर हुआ, और होने के बाद कोशिश की गई कांग्रेस ने इसको में अवध के किसानों को भी शामिल कर लिया, और ये मूवमेंट जो था फाइट करने के लिए तैयार हो गया और बहुत ज़्यादा इन लोगों ने स्ट्रगल किया, इन्वॉल्व हो गए. द पीसेंट मूवमेंट हैवर डेवलप इनफॉर्म दैट द कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विद, क्योंकि जो पीसेंट मूवमेंट चल तो रहा था लेकिन इसमें जो लीडरशिप थी कांग्रेस की लीडरशिप थी वो उसमें खुश नहीं थे. एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, द हाउसेज ऑफ तालुकादार एंड द मर्चेंट वर अटैक, बाजार वर लूटेड. जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो तालुकादार थे, जमींदार थे, व्यापारी थे, इन सब के घरों को लूट लिया गया. ग्रेन हॉर्ड्स वर टेकन ओवर, जिन लोगों ने जमा कर रखा था ग्रेन्स गेहूँ चावल वो भी सब लूट लिया गया. इन मेनी प्लेसेज लोकल लीडर्स टोल्ड पीसेंट डेट गांधीजी हैड डिक्लेयर डेट नो टैक्स वर टू बी पेड एंड लेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर. कुछ जगहों पर तो ये बता दिया गया कि लोकल लीडर्स ने क्या बताया कि किसानों को बताना शुरू कर दिया, गांधी जी ने ये घोषित कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया कि टैक्स कोई टैक्स नहीं देगा और ज़मीन का दोबारा से बंटवारा होगा किसानों के जो गरीब लोग हैं. द नेम ऑफ महात्मा गांधी इज बीइंग इनवोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पायरेशन. इसमें यह हुआ कि गांधी जी का नाम लेकर ये सारे काम किए जाने लगे. पहले एक तरीके से यहाँ पे किसानों को इन्वॉल्व किया और करने के बाद मूवमेंट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया. यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से किसानों को उन समझाया गया, मूवमेंट स्टार्ट किया गया, उसके बाद हर मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल हेयर. इट्स एनफ फॉर माई सेल्फ. वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर मोर ऑफ लेटर.